हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल वेल्थ अनलिमिटेड आज था फाइनल दिन नेक्सेस सेलेक्ट आईपीओ में अप्लाई करने का और इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसा रहा इस आईपीओ का सब्सक्रिप्शन स्टेटस एज वेल एज जानेंगे कि क्या चल रहा है ग्रे मार्केट प्रीमियम नेक्सेस सेलेक्ट आईपीओ के लिए एज वेल एज कुछ एसएमई आईपीओ के लिए जो आने वाले टाइम पे लिस्ट होने वाले है स्टॉक मार्केट पर सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज मेक श्योर टू हिट दी सब्सक्राइब बटन एंड डू लाइक दिस वीडियो चलिए बात करें अब नेक्स्ट सेलेक्ट आईपीओ की तो आप देख सकते हैं कि यहां पे जो सेलेक्ट रीट आईपीओ है वो फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है बोथ ही कैटेगरीज में मैं आपको बता दूं कि हमने इस पर एक डिटेल वीडियो बना रखी है अगर आपको उस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में जानना है तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर हाउ जो आरई है उसका फुल फॉर्म होता है रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो ये पर्टिकुलर कंपनी है ये काम करती है रियल स्टेट बिजनेस पे जितने भी बिग बिग मॉल्स है वहां पे जितनी भी चीजें रेंट होती है लीज पे दी जाती है उससे ये पर्टिकुलर कंपनी अपना पैसा जनरेट करती है और आपको ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट मेथड मिल जाता है अगर आप प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इस पर्टिकुलर आईपीओ के थ्रू या इस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स को बाय करके कर सकते हैं चलिए बात करें अब नेक्सलेट आईपीओ के टाइम टेबल की तो आप देख सकते हैं आज था इसका लास्ट डे मे 11 2023 बेसिस ऑफ आप अलॉटमेंट आपको 16 तारीख को पता चल जाएगा इस पर्टिकुलर शेयर पे आपको कितने अलॉटमेंट मिलेंगे बट मैं आपको बता दूं कि अगर आपने दो एप्लीकेशंस लगाई सॉरी अगर आपने एन में या अगर आपने रिटेल में चार एप्लीकेशन लगाई है तो रफली आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपको एक शेयर या एक पर्टिकुलर लॉट तो मिलना ही मिलना है अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर कंपनी के सब्सक्रिप्शन स्टेटस की तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ दो कैटेगरीज है क्यू आई बीज एंड अदर्स अदर्स में आपके एच एन आईज एन आई आईज एंड रिटेल इन्वेस्टर्स आते हैं और जो इस पर्टिकुलर आई की डिस्ट्रीब्यूशन है वो लॉटरी बेसिस पे नहीं है वो होने वाली है प्रो प्रोडेटा बेसिस पे अगर आपने अदर्स कैटेगरी में इन अपनी एप्लीकेशन लगाई है तो अगर आपने छ एप्लीकेशन लगाई है तो आपको एक मिल ही जाएगी हाउएवर क्यू आई बीज में भी सिमिलर चीजें होगी इसमें कोई भी लॉटरी सिस्टम नहीं रखा गया था और जो ये पर्टिकुलर ये कंपनी का जो टोटल सब्सक्रिप्शन आया है वो आया है 5.43 परसेंट ये काफी अंडरवेलमिंग था और मैं बता दूं कि मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया है इस पर्टिकुलर आईपीओ में हाउएवर मुझे इसके फंडामेंटल्स और वैल्यूएशन काफी अच्छे लगते हैं बट मार्केट सेंटीमेंट्स के अराउंड एंड आईपीओ लिस्टिंग प्रीवियसली मुझे लगता है कि अगर यहां पे इंस्टीट्यूशन डिमांड क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं तो ये पर्टिकुलर आईपीओ आपको ज्यादा प्रीमियम लिस्टिंग डेज पे नहीं दे सकता सो so, मैं क्या करने वाला हूं इस पर्टिकुलर आईपीओ में मैं लिस्टिंग डे पे इस पर्टिकुलर कंपनी को देखूंगा कि कहां पर ये ट्रेड करती है कहां पर ये पर्टिकुलर आईपीओ अपना बेस फॉर्म करेगा और उसके बाद एक डिसीजन लिया जाएगा इस पर्टिकुलर आईपीओ में वेदर आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट और नॉट चलिए अब बात करते हैं सेलेक्ट आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम की आप देख सकते हैं आज भी ग्रे मार्केट प्रीमियम में कोई ज्यादा उछाल नहीं देखा गया और जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम है इस पर्टिकुलर कंपनी का वो चल रहा है दो रुपए पर ठीक है और जो एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस है वो है वन हंड्रेड टू रुपीज प्राइस ब्रांड है इस पर्टिकुलर आईपीओ का वो था हंड्रेड रुपीज पे अपर बैंड पे आई होप अगर आपको इस पर्टिकुलर कंपनी में अलॉटमेंट चाहिए तो आपने अपनी एप्लीकेशन अपर प्राइस बैंड पे ही लगाई होगी और ये है इस पर्टिकुलर आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम का ट्रेंड जो हाईएस्ट प्रीमियम है इस पर्टिकुलर कंपनी ने दिए है वो है पांच रुपये के जो होते हैं पांच परसेंट फ्रॉम हंड्रेड और सिमिलरली ये जो ट्रेंड है ये नेगेटिव ही होता रहा बिकॉज डिमांड जनरेट नहीं कर पा रहे हैं इसमें इंस्टीट्यूशंस एज वेल एज दी इन्वेस्टर्स तो ग्रे मार्केट काफी ठंडा पड़ा हुआ है कल भी हमने यही सब चीजें डिस्कस की थी बट मुझे लगता है कि अगर ये पर्टिकुलर आईपीओ को डिमांड क्रिएट करवानी है तो इंस्टीट्यूशंस को इस पर्टिकुलर आईपीओ में आना होगा देन ओनली ये पर्टिकुलर स्टॉक या ये पर्टिकुलर आईपीओ एक अच्छे प्रीमियम पे लिस्ट हो पाएगा और इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ता हुआ दिखाई देगा चलिए अब बात करते हैं कुछ और आईपीओस की जहां पे आपको मैं ग्रेप मार्केट प्रीमियम बताना चाहूंगा तो ये है आईपीओ लिस्ट आप देख सकते हैं जो एस एम आईपीओ है जिसमें से स्पेशली ये जो ऑरो इम्पेक्ट एंड केमिकल है ये काफी अच्छा दिखता दिख रहा है ग्रे मार्केट प्रीमियम पे और इनका जो लिस्टिंग प्राइस है वो हो सकता है 25.64 परसेंट मैं आपको बता दूं जो ये आई है ये काफी छोटे आई होते हैं जो एस एम कैटेगरीज में आते हैं इनका जो साइज होता है वो रफली 100 करोड़ से कम का होता है और जो भी कंपनी 100 करोड़ से कम का आई पी ओ आती है वो उस एस एम कैटेगरी में जाती है यहाँ पे अगर आप थोड़ी सी भी एप्लीकेशन अप्लाई कर दे या थोड़ी सी भी डिमांड जनरेट हो जाए तो इनके आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम पे काफ़ी अच्छा स्पाइक देखने के लिए मिलता है जो नेक्स्ट कंपनी है जो 16 मई से 19 मई को आने वाली है वो है कृष्णा स्ट्रैपिंग सॉल्यूशंस ओके okay. और इस पर्टिकुलर कंपनी में आप देख सकते हैं जो आई पे प्रीमियम चल रहा है वो है फिफ्टी का इस पर्टिकुलर कंपनी पर मैं अलग से एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा करती क्या है और आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं बट एज ऑफ नाउ जैसे कि प्रीमियम दिख रहे हैं ये कंपनी एक अच्छा बाय बन सकती है इन कमिंग डेज और मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर कंपनी आपको अच्छा लिस्टिंग गेन दे सकती है अगर आपको इसे होल्ड नहीं करना है तो राइट right? और साथ ही साथ आप देख सकते हैं टाटा टेक्नोलॉजीज की अभी कोई भी इन्फॉर्मेशन आई नहीं है हाउ इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी भी एक्टिव है और इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो चल रहा है सेवेंटी नाइन रुपीज के आसपास और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अभी तक कोई भी ओपनिंग डेट क्लोजिंग डेट रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आई नहीं है जैसे ही इस पर्टिकुलर स्टॉक में कुछ मुझे दिखता है या आईपीओ के पेज में कुछ दिखता है कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं आपके लिए डेफिनेटली एक वीडियो लाऊंगा टाटा टेक्नोलॉजीज के ऊपर और मोस्ट लाइकली कि ये आपको इस महीने के एंड में इंफॉर्मेशन फिल होते हुए देख सकती है और जल्दी ही आप टाटा टेक्नोलॉजीज आईपीओ का मार्केट में प्रवेश देख सकते हैं आई होप आई एबल टू गिव यू अ गुड ओवरव्यू ऑफ द आईपीओ मार्केट क्या चल रहा है ग्रे मार्केट प्रीमियम कौन कौन से है जो नए आईपीओ लिस्ट होने वाले हैं बट एक धमाकेदार एंट्री हो सकती है जैसे मैंने आपको बताया एक एस एम ई आई पी ओ की जहां पर आपको एक अच्छा प्रीमियम मिल सकता है क्रिचा स्ट्रैपिंग सोल्यूशन में That's it from my side. I hope uh, you like this video. Thank you for watching. Happy investing.